Hi everyone, welcome to An Academy. I hope everyone is doing good. So my name is Smriti. I'm your science educator on this channel. Welcome everyone. This is my little introduction. I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. I have 4+ experience from 6 to 12 classes and mentored over thousands of students, and now I am here with you all. Okay, so this was my introduction. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. बिल्कुल सही, ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है. लेट्स सी कि हमने आज पढ़ना क्या है. हमने आज देखना है व्हाट इज न्यूट्रिशन. सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन. देन विल मूव ऑन टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड विल बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन पाने के. थर्ड इज फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सब में से. Some plants which do not contain chlorophyll, उनकी बारे में भी बात करेंगे हम. एंड saprotrophic plants, जो कि बहुत important category है, उनके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं हम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू रीफिल ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. ठीक है, जो भी वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स, उनको रीफिल कैसे करा जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है. सो ये सब हम आज इसी एक ही बारे में वन शॉट ये हम करेंगे, पढ़ाई करेंगे आज एक ही सेशन में. सो आई होप आप काफी मजा भी आए सेशन में. लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन. ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. सिंपल डेफिनेशन है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे एक फूड लेता है, उसे कैसे एक्वायर करता है, एंड हाउ दे यूज इट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ ऑफकोर्स एवरीबडी नीड्स फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमें भी बिना फूड के वी कैनॉट सी आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन आवर बॉडी, राइट. तो हमें जैसे फूड डेली बेसिस पे चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी डेली बेसिस पे फूड चाहिए होता है. सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इट्स यूज फॉर इट्स ओन बॉडी. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड वाइल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. मैं ये जरूर बताऊंगी कि वाई इट इज रिटन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, बट यस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स दैट डिपेंडेंट, सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, बट हाँ हम डिपेंडेंट है प्लांट्स से फॉर द फूड, राइट. बाकी जो प्लांट्स है दे मेक देयर ओन फूड. नाउ लेट्स मूव ऑन, देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, इट इज डन, कि न्यूट्रिशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है. लेट्स मूव ऑन, व्हाट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द मोड्स, तरीके क्या है अलग अलग. सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं एंड हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं. देयर आर टू कैटेगरीज फॉर दिस, autotrophic and second is heterotrophic, right. So the first one we are going to discuss is autotrophs. Yes, autotrophs kaun si cheez hai, kya naam hai, kyun hai naam. Now it is written autotrophs, right. So auto means self, khud se banana, theek hai, self nourishment. Troph means nourishment, self nourishment, khud se karna, kisi aur pe dependent nahi hai, khud se prepare karna. राइट, सो खुद प्रिपेयर कर रहे, दैट मीन्स सेल्फ वर्ड आएगा, ऑटो मीन्स सेल्फ. डन. नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड. दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस. व्हाई इट इज रिटन सिंपल सब्सटेंस. नाउ लेट्स सी, फोटोसिंथेसिस पे आएंगे, डोंट वरी, दिस इज द प्रोसेस. बट यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज रिटन H2O. Right? They are simple molecules. One is made up of 3 atoms and the other one is also made up of 3 atoms. Okay? Carbon, oxygen and hydrogen and oxygen. Everybody knows ki water ka formula, it is pretty simple. H2O. And carbon dioxide bhi aapka CO2 hai. It is a simple, not complex, simple molecule. Complex molecules, bohat zyada, like glucose. Glucose ki agar main baat karun, which is photosynthesis se banta hai, that is their food. तो ग्लूकोज का काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज, राइट. सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर आर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया. बट इफ आई टॉक अबाउट सिंपल, तो सिंपल आपके सामने है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल. तो इन दो चीजों के यूज से दे मेक देयर फूड, दे मेक देयर फूड, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. Yes, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. हाउ दे मेक देयर ओन फूड, बाय फोटोसिंथेसिस. ओके, सो ऑटोट्रॉप्स आर द कैटेगरी व्हिच दे
in which they make their own food by photosynthesis. Okay, so therefore the plants are called autotrophs. The mode is autotrophic and they're known as autotrophs. Okay, now examples. Okay, so examples hai aapke algae, you can say some bacteria and plants of course. Okay, so plants, algae and bacteria, these are the three examples for your autotrophs which make their own food. Okay, so you can see plants, algae, many bacteria. Okay, and they're using simple molecules like carbon dioxide and water molecule only. Okay, let's move on. Agar autotrophs aapko bilkul clear hai, to aage badhte hain apna second category ki taraf. But usse pehle main photosynthesis, maine aapko promise kiya tha ki photosynthesis pehle padhaungi. So yes, photosynthesis aapka main reaction hai. It is a chemical reaction. It is what? Your chemical reaction. Now of course, conversion क्या हो रही है? Energy conversion तो होगी. If I am talking about reaction, कोई भी दुनिया में reaction ले लीजिए आप. If I am talking about reaction, then I am talking about some kind of energy change. Now chemical reaction से तो chemical energy ही निकलेगी. But use कौन सी हो रही है? वो main point है. So you can see कि सबसे पहले आपने क्या चीज पढ़ी होती है? Photo means light, right? Photo जहाँ पर लगा है, that means light. ठीक है? Photo and synthesis to put together. फोटोसिंथेसिस, ठीक है? लाइट के यूज से हमें पूरा रिएक्शन कर रहे हैं, तो दैट मींस कि आपका लाइट एनर्जी इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट? सो यस, लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बिकॉज केमिकल रिएक्शन इज इंक्लूडेड इन हियर. राइट, सो फोटोसिंथेसिस हमारा एक नॉर्मल सा केमिकल रिएक्शन है एंड फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट का यहाँ पर मेन सोर्स है. तो ये जो पूरा रिएक्शन है उसको प्रोसीड कराने के लिए यू रिक्वायर्ड अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन है. ठीक है, सन ही है हमारा मेन सोर्स, यहाँ पर पूरी एनर्जी यहीं से ही आ रही है. कौन सी वाली एनर्जी? आपकी लाइट एनर्जी या आपकी हीट एनर्जी, दोनों आती है सन से. लाइट एंड हीट कंबाइन होकर आती है. अगर इफ आई एम सेइंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, देन आई एम सेइंग सन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड. ओके, सो प्लांट्स की बात हम कर रहे थे कि भाई वो ऑटोट्रॉप्स हैं एंड दे मेक द ओन फूड, तो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस बनाते हैं. अब शुरू करते हैं इसकी कहानी क्या है. सो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होंगे, दैट इज योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. राइट, लेट मी राइट इट हियर. दे आर रिएक्टेंट्स. एक केमिकल रिएक्शन में क्या ही होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं मैम, और इस साइड होते हैं आपके प्रोडक्ट्स. राइट, and there's one arrow which represents that it is moving forward. Okay, so reactants are going towards products, right? And reactants yahan par kya hai, ab wo main baat aati hai, wo main aapko next slide mein dikhati hu kaun se reactants hai, kaun se products hai. But remember, this is a chemical reaction and kuch reactants react karenge aapas mein and they will create some products, jo ki wo product wahi honge jo unhe khana banana tha. Theek hai, let's see ki kaun se products hai, kaun se by products hai, let's see. ठीक है, सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, वी गेटिंग द सनलाइट, दिस देयर इज क्लोरोफिल, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन, बाहर निकल रहा है, बाहर का एरो है, तो दैट मींस कि ऑक्सीजन बाहर निकला है रिएक्शन में. एंड देन वी हैव वाटर ऑफ कोर्स फ्रॉम द सॉइल. नाउ लेट्स सी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कि हो कहां पर रहा है. राइट, हो कहां पर रहा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मींस कि लोकेशन कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पर है. नाउ फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, व्हाई इट इज रिटन फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. नाउ द थिंग इज, आई टोल्ड यू कि फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस से एंड वो हो कहाँ पर रहा है, वो हो रहा है ग्रीन लीव्स में. तो ग्रीन लीव्स हो गई लोकेशन एंड लोकेशन जो हो गई है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि वहां पर सारा हो रहा है आपका. दैट्स वाई इट इज नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो खाना बन रहा है प्लांट्स का, जिसकी वजह से हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, वो कौन सी लोकेशन में हो रहा है आपका? ग्रीन लीव्स में. इट हैपन्स इन सम अदर ग्रीनी पार्ट्स एज वेल, बट वहां पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता. सो इट इज सेड दैट ग्रीन लीव्स में ही होता है और उसको ही हम फूड फैक्ट्री बोलेंगे. द
The process of photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, leaves are referred to as the food factories of the plants. The photosynthetic process can occur in other green parts plant like stem, but it is not enough for meeting all the needs of the plants. Like I said, दूसरे parts में भी हो सकता है photosynthesis, but वो इतना effective या इतने amount में नहीं होता, इसलिए हम इसे ignore कर सकते हैं. We are only talking about the green leaves now. Now, like we have decided, the site of photosynthesis is your green leaves, हरे पत्ते. So let's see the reaction now. Now, reaction was कि reactants and products में मैंने आपको divide करके बोला था, ठीक है. So reactants आपके कौन से हैं? आपके reactants है carbon dioxide. Now, gases का involve पूरा है, ठीक है. यहाँ पर जो participation है वो gases की पूरी है. So उसमें से सबसे पहली gas है आपकी carbon dioxide, right? Simple molecule, right? कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, गैस के फॉर्म में है. एंड यहाँ पर सबसे पहला रिएक्टेंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. द अदर थिंग वी कैन सी इज वी आर यूजिंग वाटर इन द रिएक्शन, दे आर यूजिंग वाटर इन द रिएक्शन. और फॉरवर्ड एरो के ऊपर सनलाइट है, तो ऑफकोर्स आई कैन राइट सनलाइट एज वेल. यहाँ पर लिख सकते हो आप, नो वरीज. जो पूरी रिएक्शन ड्राइव हो रही है आगे को, वो कौन एनर्जी दे रहा है? सन दे रहा है उसको. यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए. कई बार क्या होता है ना बच्चों, कि रिएक्शन में या तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, या कई बार क्या होता है रिएक्शन से खुद हीट एनर्जी निकल रही होती है. समटाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, कुछ रिएक्शन, कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको देखा ही होगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है उल्टा, लाइक गर्म हो रही टेस्ट. इफ आई एम परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट, और टेस्ट ट्यूब वो सडनली गर्म हो गए, दैट मीन्स कि उस रिएक्शन से हीट उल्टा निकल रही है. आपने दी नहीं, हीट उल्टा निकल रही है. तो देर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन एक्चुअली, लेट मी टेल यू. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, देर आर टू काइंड, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट आपकी रिलीज होती है, एंड यहां पर क्या होती है, हीट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो देयर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शंस इन द होल वर्ल्ड. वन, दो में डिवाइड की जाती है. पहली, जिसमें हीट उल्टा निकलती है, उसको कोई जरूरत नहीं होती हीट की. एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट उल्टा चाहिए होती है सो दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसमें आपको हीट उल्टा देनी पड़ रही है. वो रिएक्शन से हीट नहीं निकल रही, आपको हीट देनी पड़ रही है, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, सो दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड. रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यू नीड हीट एनर्जी, एंड द सोर्स इज योर सन. ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक टाइप है फोटोसिंथेसिस. ओके, सो टॉपिक पे आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वॉज देयर, water is there, sunlight is there, so these are the reactants in the reaction, theek hai. And we are getting a molecule which is known as glucose. Like I said, uska formula hai C6H12NO6, right? This is the formula for your glucose, theek hai. This looks complex, right? It has 6 carbon, 12 hydrogen, O and 6, right? And also we are getting one more gas, that is oxygen gas. Now, ये है इम्पॉर्टेंट, ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वी यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. वी यूज इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, वी यूज इन द रेस्पिरेशन होल प्रोसेस, जो हमारे ग्लूकोज को ब्रेकिंग इन एवरीथिंग. वी यूज ऑक्सीजन, वी इनहेल इट, राइट? सो हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और ये इसी प्रोसेस से निकल रहा है. दैट्स वाई वी से प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो अपना खाना तो बना ही रहे, साथ साथ अपना ऑक्सीजन भी जो बना रहे रिएक्शन में, वो हमारे यूज में आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ दो गैसेस इन्वॉल्व्ड है, वन वाज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वन इज योर ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गैसेस का एक्सचेंज बहुत चल रहा है ना. रिएक्शन हो रही है ग्रीन लीव्स में, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है यूज में, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, एंड ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है. ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है. इट इज नोन एज अ बाय प्रोडक्ट. This is a product, main product वैसे यही था कि उन्हें क्या चाहिए था, photosynthesis उन्हें चाहिए क्या था, by the known as food factories of plants. उन्हें चाहिए था glucose, that is the food, this is the main food. मैंने कहा वो food अपना खुद बनाते हैं. This is the main food, उसका chemical formula लिखा हुआ है C6H12O6, right? This is the food, okay?
सो फूड उनका मेन प्रोडक्ट है, हमें मतलब हो ना हो पर उन्हें बहुत मतलब है इन खाने से, ठीक है। और जो बाय प्रोडक्ट में जो निकल गया रिएक्शन से, जो उन्हें चाहिए नहीं बट उन्हें निकल गया, ठीक है, उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट मेन प्रोडक्ट उनका फूड चाहिए, फूड था, वो हो गया। बाय प्रोडक्ट मीन्स कि साइड में निकल गया है एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड प्रोडक्ट, ओके। एंड ऑक्सीजन हम सबको पता है कि हमारी नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर ए फोटोसिंथेसिस। क्या साइट होती है, कहाँ पर होता है, पार्ट्स कौन से यूज होते हैं, अभी हम बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस में कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं और ये होती क्यों है, हमने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। क्या स्टोमेटा का क्या काम है यहाँ फोटोसिंथेसिस में? स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। इट इज रिटन दैट दे आर द टाइनी टाइनी ओपनिंग्स, छोटे 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 बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, समा ऑन द लीव्स, अदर पार्ट्स में भी होती है स्टोमेटा बट इतनी अमाउंट पे नहीं होती, बट येस लीव्स मेन साइट है, ओके। सो वी कैन सी स्टोमेटा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ऑफ कोर्स स्टोमेटा आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, यू हैव टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिससे आपको जूम करके एक इमेज दिख सकती है स्टोमेटा की, छोटी छोटी ओपनिंग्स इन द लीव्स, ओके। सो येस एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और इनका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। मैं बार बार क्यों बार बार मैं जोर डाल देती गैसेस पे, बिकॉज स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज इन द गैसेस। यहाँ पर लिखा है एक्सचेंज इन द गैसेस, गैसेस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस, आई हैव हाइलाइटेड द होल पॉइंट, ओके। सो स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स इन द लीव्स और इनका काम है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर को, तो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, राइट। तो वो कौन कर रहा है, कौन सी साइट में हो रहा है, वो है स्टोमेटा के थ्रू होता है, वो टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू होता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटा, राइट, ओके। सो दे कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन रेट ऑल्सो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है और वो क्लोज हो रहा है, लाइक फॉर सपोज मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट दिस इज ओपनड, ठीक है, एंड दिस इज क्लोज, ओके। सो ये स्टोमेटा ही, ये जो होल है, छोटे 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 टाइनी ओपनिंग्स है, दे आर क्लोजिंग एंड देन दे आर ओपनिंग ऑल्सो फॉर द गैसेस एक्सचेंज। नाउ पॉइंट ये आता है कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, क्या रिएक्शन है इनका, कब क्लोज होना है, कब कब ओपन होना है, उन्हें कैसे पता, ये हम बात करेंगे अभी, बट लेट्स मूव ऑन और इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो स्टोमेटा सॉरी द स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमा। थिंग इज ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको बीच में दिख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने ड्रॉ किया है, या यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ज्यादा बेटर है। Here you will see the stoma pore. Stoma means जो छोटी ओपनिंग है बीच में, जो ओपन क्लोज हो रही है, that is stoma. That is a tiny opening. Okay? So the stomata consists of minute pores called stoma. छोटे छोटे पोर्स होते हैं and surrounded by a pair of guard cells. The thing is, लेट मी टेल यू, गार्ड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो पूरा आप गार्ड सेल दिख रहा है, दैट इज द होल गार्ड सेल्स, ठीक है, दो आपको ऐसे दिख रहे हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पूरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं कौन, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गार्ड सेल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और गार्ड सेल्स की टर्गिडिटी से फर्क पड़ता है। स्वेलन, जब वो स्वेल होते हैं, जब वो श्रिंक हो जाते हैं वापस, जब वो स्वेल हो जाते हैं, उसी से पता चलता है कि वो पोर ओपन होगा या क्लोज होगा। तो बेसिकली गार्ड सेल्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गार्ड सेल्स कब वो ओपन होंगे, वो पोर कब वो क्लोज होंगे, वो सब डिसाइड करते हैं गार्ड सेल। जैसे कि गार्ड होता है ना, गार्ड अंकल होता है हमारे पास, राइट, वो डिसाइड करते हैं गेट कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा सोसाइटी का। तो ऐसे ही स्टोमेटा का भी सेम रिस्पॉन्स है गार्ड सेल्स की तरफ से। गार्ड सेल्स ही डिसाइड करते हैं कि पोर्स आपके क्लोज होंगे या ओपन होंगे, राइट, ओके। लेट्स सी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू गार्ड सेल्स मैनेज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर। नाउ मैंने बताया कि गार्ड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे कि कब गार्ड सेल्स ओपन होंगे, कब वो क्लोज होंगे, राइट। सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द गार्ड सेल्स मैनेज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर।
That is the function of guard cells. Okay, so when the water enters the guard cells become turgid. Now, what do you understand by turgid? That is swollen. Swollen hona ya swell ho jana. ठीक है, सो व्हेन द वॉटर एंटर्स द गार्ड सेल, जब पानी अंदर आता है तो गार्ड सेल्स पूरे फूल जाते हैं एंड द थिन आउटर वॉल इन द टर्गिड गार्ड सेल इज पुश्ड आउटवर्ड्स, मोटे हो जाते हैं, पुश्ड आउटवर्ड्स दिस लाइक दिस, सो इट पुल्स द थिकर इनर वॉल आउटसाइड. तो होता क्या है, जो बहुत मोटी सी इनर वॉल है वो पीछे हट जाती है और उससे क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू दिस टोमेटो ओपन. द मेन पॉइंट इज कि गार्ड सेल्स में पानी आया एंड वो बिल्कुल फूल गए. ठीक है, फूलने के बाद प्रेशर पड़ा और पोर ओपन हो गया. ठीक है, तो दिस इज हाउ स्टोमेटा ओपन. एक पॉइंट है कि जब पानी अंदर आ रहा है तब वो स्टोमेटा ओपन हो रहा है. ठीक है, when the solute decreases in the guard cells, they become flaccid. ठीक है, जैसे ही सल्यूट की कमी होने लगेगी, जैसे ही अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा कि गार्ड सेल्स वापस आएंगे अपने पोजीशन पे और वो पोर वापस से क्लोज. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स गोज बैक टूवर्ड्स द स्टोमेटा एंड दिस कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. जो इनर वॉल है गार्ड सेल का गोज बैक टूवर्ड्स द स्टोमेटा एंड दिस कॉज द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो कि आपका प्रीवियस पॉइंट था. द साइज ऑफ द गार्ड सेल इज 20 माइक्रोमीटर्स एंड इन लेंथ 9 माइक्रोमीटर्स इन विथ. अगर आपको नहीं भी याद रहता, इट्स फाइन. 20 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड 9 माइक्रोमीटर्स इन विथ, इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर आपको नहीं भी याद रहता, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको बताने के लिए, आइडिया देने के लिए कि उसकी लेंथ और विथ एक्चुअली है क्या. ठीक है, बाकी आपको अगर नहीं भी याद रहती वैल्यू, इट्स कम्प्लीटली फाइन. ओके, सो अ स्टोमा विच इज द टाइनी पोर इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स. ये सर आपको शेप बताने के लिए, सराउंडिंग द स्टोमेटा, द होल स्टोमेटा विद द डिक्रीज इन द. अच्छा, एक आपने देख लिया वॉटर का कैसे हो रहा है, कि वॉटर अंदर आ रहा है, गार्ड सेल को पूरा फुला रहा है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है, जैसे ही उसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है पानी की, क्लोज हो रहा है वो पूरा स्टोमा, आपका पूरा पोर क्लोज हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द गैस. मैंने यहाँ पर बोला था एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का मेन पॉइंट है, राइट. सो विद द डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा ओपन्स एंड विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा क्लोजेस. गैसेस का कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है वो, गैसेस में क्या हो रहा है, विद द डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है, लाइक आई सेड देयर आर टू थिंग्स, राइट. फोटोसिंथेसिस पे भी फोकस करना है, स्टोमेटा का बहुत मेन रोल है उसमें. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड जब कमी हो रही है उसकी, तो आप क्या चाहोगे, और भरे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, राइट. सो विद द डिक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, विद द डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज हैपनिंग इज दे रिक्वायर मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और आओ और आओ. सो वो क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अभी कम है, तो स्टोमेटा ओपन रहेगा. स्टोमेटा ओपन रहेगा कि अभी घुसा लो, जैसे कि गेट में जो अंकल हैं हमारे, राइट, गेट कीपर जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी कम लोग हैं अंदर, ठीक है, फंक्शन है कोई और अभी कम लोग हैं अंदर. व्हाट इज हैपनिंग इज गेट अंकल अभी बोलेंगे आ जाओ अंदर, इट्स ओके, अभी काफ़ी जगह है अंदर, राइट. कभी कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो व्हाट विल हैपन इज तब तक वो करेंगे, एंटर करवाएंगे जब तक कि वो फुल नहीं हो जाता. जैसी सीट्स फुल हो जाएंगी, दे विल से कि आप सीट्स दे आर फुल, आई एम रियली सॉरी, आगे नहीं आ सकते आप. सो यस, विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन स्टोमेटा विल क्लोज इटसेल्फ. ठीक है, तो जैसी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इनफ हो जाएगी, आपका स्टोमेटा खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा. दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस एंड वाटर का. मैंने आपको बता दी कि वाटर एंटर करेगा, गार्ड सेल्स आपके स्वेल हो जाएंगे, तो खुद ब खुद थोड़ा पुश होके ओपन हो जाएंगे. ओके, तो दीज आर द टू examples I am giving you, कैसे opening and closing हो रही है. Okay, so let's see the importance of the photosynthesis. Now we have talked about photosynthesis a lot, कौन सी site है, कौन से parts हैं, everything we have talked about, right? So let's move on and talk about the importance of photosynthesis. What are the importance of the photo, मेनली की फंक्शन क्या है उसका, वही उसकी इंपॉर्टेंस होगी.
So if the plants do not perform the photosynthesis, there would be no food on the earth. That is actually true. मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी आपको कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट? हमें जो खाना चाहिए होता है, या तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स, राइट? सो इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी नो फूड ऑन द अर्थ. एंड फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो जो मेंटेन करना है एटमोसफेयर में, 21% होता है आपका ऑक्सीजन गैस इन द एटमोसफेयर, राइट? सो उसको मेंटेन कौन करेगा? आप यूज करे जा रहे हो, उसको मेंटेन कौन करेगा, राइट? सो उस गैस को मेंटेन करने के लिए आपको प्लांट्स की हेल्प लेनी पड़ती है. और प्लांट्स जो ऑक्सीजन गैस निकाल रहे थे फोटोसिंथेसिस से, वो रिप्लेस हो रहा था एटमॉस्फेयर में, और उसी से कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड है एटमॉस्फेयर में 21%. और सबसे ज्यादा, लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा हाइएस्ट अमाउंट है दैट इज फ्रॉम दी मेरीन प्लांट्स. सबसे ज्यादा 70-80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है फ्रॉम दी मरीन प्लांट्स. ठीक है, मरीन प्लांट्स सबसे ज्यादा देते हैं 70-80%. एंड आई होप आपको ये बात पता है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट गिव्स 20% कॉन्ट्रीब्यूशन. 20% सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आता है. जो बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट है आपका, उसे 20% आता है ऑक्सीजन. सो यू कैन इमेजिन कि बिना इसके, इस रिएक्शन के, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के, ऑक्सीजन गैस एंड फूड की कमी बहुत होगी, राइट? सो लेट मी कम टू द पॉइंट. एंड यस, इट इज ऑफ कोर्स नेसेसरी. एंड फॉर द रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट नो लाइफ इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, इट इज रिटन कि लाइफ नहीं हो सकती, बट इन सब चीजों में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, जिनको फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है, या वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी फोटोसिंथेसिस. तो वो वाले जीत जाएंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे, बट उनकी परसेंटेज बहुत कम है. सो इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, तो आई कैन से 99.9% तो वाइप आउट हो जाएगा पूरी पॉपुलेशन. ठीक है, सो क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो दोनों फैक्टर्स वाइप आउट हो जाएंगे अगर ये रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, हेटरोट्रॉप्स. ओके, हमने ऑटोट्रॉप्स की बात कर ली थी प्रीवियसली, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉप्स. ओके, सो हेटरोट्रॉप्स में क्या है? हेटरोट्रॉप्स मीन्स अदर, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट? सो ह्यूमंस, एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, वी डोंट हैव क्लोरोफिल. ठीक है, वी नीड फूड फ्रॉम यू. ओके, सो आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड इन द रेडीमेड फॉर्म. मतलब जैसे बना बनाया खाना परोस के दे दो वाली बात है हेटरोट्रॉप्स. ऑफ कोर्स दे यू नो मेहनत करते हैं एक्वायर करने में फूड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो खुद प्रिपेयर नहीं करते. लाइक अगर आपको आपकी मम्मी प्रिपेयर करके देती है खाना, सो आपको रेडीमेड खाना मिल रहा है, राइट? एंड शी इज प्रिपेयरिंग द फूड, या जो भी प्रिपेयर कर रहा है खाना, राइट? सो यस, they're preparing the food, they're the autotrophs, they're the heterotrophs. Okay, those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants and animals are called the heterotrophs, and more of nutrition is called the heterotrophic nutrition. I was just kidding. Okay, we all are heterotrophs. Why? Because we are dependent on the plants. Okay, so yes, we don't have chlorophyll, so we need food from somewhere. And there are three kinds of heterotrophs. One is carnivores, omnivores and herbivores. You must have heard about the three categories. हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, दे स्टिल ईटिंग प्लांट्स, बना बनाया खाना, बट वेजिटेरियंस. ओमनीवोर्स होते हैं, दे कैन ईट प्लांट्स एंड दे कैन ईट द मीट ऑल्सो, दे कैन ईट बोथ, उनको दोनों चलता है. लाइक इफ आई एम नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन ऑल्सो, तो मैं ओमनीवोर एक तरह से. ठीक है, सो प्लांट्स एंड मीट दोनों चल सकता है. तो एक्चुअली दिस लाइक दे हैव टू ऑप्शंस फॉर देयर फूड, plants and meat, right? Carnivores, they don't like plants, anything. They are non-vegetarians. They like only meat. Meat pe hi nirbhar hai sari dunya. Theek hai? So herbivores is for the plants, vegetarian. Omnivores, they require, they can take both. And carnivores is for the meat only. Theek hai? So there are three categories, animals maybe. Now next topic hai aapka, some plants which do not contain chlorophyll. Now the next is some plants which do not contain the chlorophyll, how they, you know, acquire the nutrients, कैसे लेते हैं वो. So parasitic plants की मैं पहले बात करना चाहूंगी. Parasitic plants में क्या होता है? Parasitic plant में is one that lines
इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम. द थिंग इज वो या तो किसी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं या तो बाहर को ग्रो कर जाते हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट जिसके भी ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, वो वहीं से अपना फूड ले लेता है. ठीक है, सो दे आर नॉन ग्रीन ऑफ कोर्स, सो विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पैरासाइट. दे आर नोन एज द पैरासाइट. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. रेफ्लीसिया अर्नोल्डी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसे आप देख सकते हो काफी अलग यूनिक सा नेस्टी सा फ्लावर लग रहा है ये, एंड इट इज समवट रेडिश एंड ऑरेंजी कलर है इनका. एंड ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा. इट इज अ जायंट रेड ब्राउन ब्लॉसम, नियरली 1 meter की लेंथ में होता है ये. एंड दिस इज एन इंडिविजुअल फ्लावर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिविजुअल फ्लावर, एंड इट कम्स इन द पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है, सो ये भी ऐसे है, अंदर या बाहर को ग्रो करेंगे एंड दे विल एक्वायर ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स जहां पर भी वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, सो ये खुद में नहीं प्रिपेयर करते, दे आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट टाइप है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब ये भी है, ये भी कहां से एक्वायर करेंगे? दे सीम ग्रीन राइट, बट इनको नाइट्रोजन लेना होता है. द थिंग इज दे रिक्वायर नाइट्रोजन फ्रॉम समवेयर, दे नीड नाइट्रोजन. होता क्या है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे डू नॉट ग्रो इन द नाइट्रोजीनियस सॉइल. ये नाइट्रोजीनियस सॉइल में नहीं ग्रो करते, ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता ही नहीं, बहुत कमी होती है. अब ये नाइट्रोजन ले कहां? पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन चाहिए ही क्यों? क्यों चाहिए प्लांट्स को नाइट्रोजन? लेट मी टेल यू, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स तो हमें भी चाहिए होते हैं बॉडी बिल्डिंग. यस, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड आते हैं आपके नाइट्रोजन से बेसिकली. ठीक है, सो इन शॉर्ट प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, उसको बनाने के लिए वी नीड नाइट्रोजन. एंड सेम प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है फॉर द प्रोटीन. तो अब अगर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सारे प्लांट्स आपके सॉइल से नाइट्रोजन ले लेते हैं राइट. अब सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो फिर कहाँ से लेके आए? वो लाते हैं इंसेक्ट से. वो लाते हैं इंसेक्ट से, इंसेक्ट को वो कैप्चर करते हैं और वहां से वो अपना नाइट्रोजन बनाते हैं. दे हैव सम डाइजेस्टिव जूसेस जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और वहां से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है. दे हैव सम डाइजेस्टिव जूसेस, एज यू कैन सी दिस ईटिंग वन इंसेक्ट है राइट. वो ईट, वो खा लेगा उसे, एंड देन जो उनके डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वो उसे डीकम्पोज कर लेगा और नाइट्रोजन निकाल लेगा. मतलब इन शॉर्ट उसको ब्रेक डाउन कर देगा सो दैट नाइट्रोजन निकल जाए. दे आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन. दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स, एंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, एंड हेंस दे आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एज यू कैन सी दे आर ईटिंग द इंसेक्ट्स, दे आर ईटिंग द इंसेक्ट्स, दे आर नॉट ईटिंग द प्लांट्स, दे आर ईटिंग द इंसेक्ट्स. सो दे विल कम अंडर कार्निवोरस प्लांट्स. यू कैन यूज द वर्ड कार्निवोरस बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग वेजिटेरियन खाना. ठीक है, सो कार्निवोरस प्लांट्स. ओके, सो दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं योर पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको सामने दिख ही रहा है. ओके, सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स. नाउ टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स. ओके, सो सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स में क्या होता है? Saprotropic plants is also a mode of nutrition, but organism take their nutrients from the dead decaying matter. Now either they grow on dead decaying matter or फिर acquire करते हैं खाना उनसे, या simply जो dead decaying matter होता है उसको decompose कर करके they take their food, they take their nutrients basically. जो भी मर चुके होते हैं, decay हो चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, उनको decompose कर करके they take their nutrition. So this is how they take the nutrients. Plants which use a saprotropic mode of nutrition are called saprotroph, obviously. Examples are fungi like mushrooms, आपने देखे होंगे जो fungus में आते हैं, right? They grow. They are the non-green plants and they grow on the dead decaying matter and they acquire their food. Okay? So they grow on the dead decaying matter for their food. And bread molds and yeast, we already know कि yeast हम baking के लिए use करते हैं, right? Yeast क्या करता है? जब भी हम yeast use करते हैं for the breaking of the bread, ब्रेड को बेक करना है, वी यूज ईस्ट. व्हाट हैपन इज यीस्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फैला देता है अंदर. जब वो अपना खाना कर रहा होता है, व्हाट हैपन्स इज कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो हमारी ब्रेड बिल्कुल फूल जाती है. तो यीस्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी ब्रेड पूरी फूल जाती है. ठीक है, अच्छे से फ्लफी हो जाती है.
So you are familiar with the fungi and yeast and everything. They are known as the septotrophs. They feed on the dead decaying matter. Okay? This is how they get their nutrients. Okay, so let's move on. And last topic is replenish. Yeah, nutrients in the soil, you can say refill. Refill of the nutrients in the soil. Now, hota kya hai jab crops aapke pure grow kar jate hain and we harvest them, right? So what happens is, jo soil ke andar nitrogen hota hai, wo use ho chuka hota hai mostly. Aur wo bilkul deficient ho jata hai. What do you understand by deficient? Kami hona. Jaise ki hamari body mein kisi vitamin and minerals ki kami hai, we say deficiency ho gayi. To aise hi nitrogen ki deficiency bhi ho sakti hai soil ke andar agar crops wagera already hai. Aur unhone soil se use kar liya already wo nutrient. So what happens is, वो उसकी कमी हो जाती है. सो प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली. नाउ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्लांट्स डायरेक्टली हवा से नहीं ले पाते. नाइट्रोजन इज देयर 78%. आई होप इट इज विजिबल. लेट मी राइट इट हियर. सो प्लांट्स क्या करते हैं, हवा से जो 78% आपका नाइट्रोजन है वो नहीं ले पाते. वो जो 78% पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा हुआ रहता है, वो गैस फॉर्म में कभी भी उसको एक्वायर नहीं कर पाते. पर चाहिए नाइट्रोजन. क्यों चाहिए नाइट्रोजन? नाइट्रोजन चाहिए, पर इसकी आप माइंड मैपिंग कर सकते हो. नाइट्रोजन चाहिए किसके लिए? प्रोटीन के लिए. अब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, बनाना है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए. और नाइट्रोजन अगर वो हवा से नहीं ले सकते तो सॉइल से लेंगे, और सॉइल से नहीं ले पा रहे क्योंकि सॉइल में कमी है नाइट्रोजन की, तो क्या करें? सो यही पॉइंट है कि उन्हें लेना था सॉइल से. और हमने पिचर प्लांट में अभी देखा था, सॉइल वो ऐसे सॉइल में उगते जिसमें नाइट्रोजन होता ही नहीं, तो इसलिए उनको इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेना पड़ रहा था क्योंकि उनकी सॉइल में पहले से ही कमी थी नाइट्रोजन. वो उगते नहीं नाइट्रोजन वाले सॉइल. अब यहाँ पर हम उनकी बात करें जो प्लांट्स उगते हैं नाइट्रोजन सॉइल में, बट फिर भी कमी हो जाती है क्रॉप्स की वजह से या मल्टीपल प्लांट्स की वजह से. सो व्हाट हैपेंस इज, प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन अवेलेबल. सो द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो हेल्प करता है. वो होता है बीच का मेन, जो मेन वर्कर है बीच में, जो हेल्प कर रहा है उनका, जो मेन हेल्पर है. हेल्पर इज अ बेटर वर्ड. हेल्पर जो है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो उनको फिक्स करके देता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसे, जो उन्हें हवा में जो गैस है ना, हवा में जो नाइट्रोजन है बहुत सारी, ये हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन है, हवा में जो इतनी सारी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना है. गैस फॉर्म में नहीं चाहिए मैम, दूसरे फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म्स में. इट कैन बी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, सो दैट प्लांट्स कैन यूज देम. ये दो तीन फॉर्म्स जो मैंने अभी लिखे हैं ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, दीज आर द ऑल द फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ओनली. राइजोबियम बैक्टीरिया ने कुछ नहीं किया, गैस को कन्वर्ट कर दिया किसी और फॉर्म में नाइट्रोजन के, किसी और फॉर्म में नाइट्रोजन के ही फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सो दैट प्लांट्स कैन एक्चुअली यूज देम. ठीक है, सो यस, हेयर इट इज रिटन कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स में ज़्यादा आपको पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. लेग्यूमिनियस प्लांट्स में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा. सो लेग्यूमिनियस होते हैं जैसे पीज, पीनट, चिक पीज, राइट, ये सब है लेग्यूम प्लांट्स. तो यहाँ पर ज़्यादा आपके राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं. सो वट इज ये राइजोबियम का फंक्शन क्या है? आपके गैस मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है एक ऐसे फॉर्म में जो कि आपके प्लांट्स यूज कर पाए, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, दीज आर द अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट यूज द डायरेक्ट गैस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, सो राइजोबियम बैक्टीरिया बीइंग द गुड वर्कर फॉर देम, इट इज कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन गैस इनटू सम अदर फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज देम. ठीक है, इन गैसेस को कन्वर्ट कर रहा है किसी और फॉर्म में सो दैट प्लांट्स कैन एक्चुअली यूज देम फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सम वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स. कंपाउंड्स का मीनिंग यही होता है कि नाइट्रोजन के साथ कोई और एटम भी लग चुका है, सो दैट आपका प्योर नहीं रहा नाइट्रोजन, कोई और फॉर्म में आ चुका है. नाइट्रोजन
H3 हो सकता है, NH3 डाइक अमोनिया, NO3 हो सकता है, दीज आर अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, किसी के साथ मिलके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बना के, मेकिंग द अवेलेबल टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. दिस इज हाउ दे गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, यू कैन से फिक्स करने के बाद दे गेट इट. ठीक है, तो कौन हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज द मेन हेल्पर हियर. आई होप इट इज क्लियर कि मैंने आपको क्या क्या बताया, वट इज न्यूट्रिशन, वट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन वी टॉक्ड अबाउट अलॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस, उसकी साइट क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, स्टोमेटा क्या है, देन वी टॉक्ड अबाउट हेटरोट्रॉप्स एंड देन सेप्टोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में भी बात करी हमने, फिर हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, हाउ दे आर रीफिल्ड. ओके, सो ये सारे टॉपिक्स थे आपके चैप्टर के लिए. वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एवरी वन, अगर आपको नहीं पता कि अनअकैडमी इज एक्चुअली गिविंग यू अ वंडरफुल सब्सक्रिप्शन, इसके फीचर्स तो सुनना बनता है. सबसे पहले है, यू कैन एक्चुअली सी ऑल द लाइव क्लासेस अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स अपने घर बैठे बैठे, घर के कम्फर्ट से. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने कोर्सेज है आप सारे देख सकते हो सब्सक्रिप्शन से. टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इस प्लेटफॉर्म में है आपके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, सो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं ना सेशन के थ्रू, एक तो आप उसी टाइम पूछ सकते हो बिकॉज इट इज लाइव, एंड सेकेंड इज उसके बाद भी आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर्ड होगा. मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, जब भी क्लास खत्म हो जाएगी यू कैन टेक आउट द PDF. प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज आपको अवेलेबल होगी इन द प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ. फॉर 10% ऑफ यू कैन एक्चुअली यूज माई कोड है SM Rana इज माई कोड. SM Rana इज माई कोड. यू कैन गेट 10% आफ्टर यूजिंग माई कोड. जो भी सब्सक्रिप्शन होगी, वेदर 3 months, 6 months, 12 months के लिए ले सकते हो, 15 महीने के लिए ले सकते हो आप, नो कॉस्ट EMI है. एंड अगर आप मेरा कोड लगाते हो यहाँ पर SM Rana, जहाँ पर गिफ्ट सा दिख रहा है आपको, यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ जिस भी सब्सक्रिप्शन में आप डालना चाहते हैं. ठीक है, एंड आइकॉनिक के फीचर्स मैं आपको बता दूँ. आइकॉनिक में क्या है, प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ यू गेट अ पर्सनल मेंटोर. आपके लिए पर्सनल मेंटोर होता है, 1-on-1 गाइडेंस के लिए, पर्सनल कोच के तरह. दे विल प्रिपेयर ऑल द स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग. यू विल गेट अ पेरेंट्स का कनेक्शन. ठीक है, पूरे पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगी, स्टडी प्लानिंग होगी, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ, जिसके प्लस के जो थे वो तो आएंगे बेनिफिट्स इसमें. ठीक है, वीकली रिपोर्ट भी मिलेगी एंड लाइव डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलेगी इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो द प्राइस फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज यू कैन सी 3, 6, 12 months के लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स भी आपके एक्स्ट्रा है. एंड यू कैन स्टिल यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई होप यू रियली लाइक द सेशन. मैं दोबारा आऊंगी सेकेंड चैप्टर के साथ. डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स फॉर वेरी गुड प्रिपरेशन, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. बाय बाय.